स्टूडेंट्स वेलकम टू मैथ्स क्लास। हम 8th क्लास में न्यू चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डायरेक्ट एंड इनवर्स प्रोपोर्शंस, ठीक है, जो कि हमारा 13th चैप्टर है। तो इस चैप्टर में दो एक्सरसाइज है आपके पास, ठीक है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं आपको डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, क्या होते हैं डायरेक्ट और इनवर्स प्रोपोर्शन। फॉर एग्जाम्पल, जैसे कि आप एक पेन लेके आते हो, वो पेन आता है आपका 10 रुपीज का। अगर आप दो पेन लेके आओ कितने रुपए के आएंगे, 20 रुपीज के। 3 पेन 30 रुपीज के, 4 पेन 40 रुपीज के। जैसे कि आप नंबर ऑफ पेन इंक्रीज कर रहे हो तो रुपीज भी क्या हो रहे हैं, साथ में इंक्रीज हो रहे हैं। जैसे कि 1 पेन आया 10 रुपीज का, तो 2 पेन 20 के, 3 पेन 30 के, 4 पेन 40 के। इस तरीके से अगर नंबर ऑफ पेन इंक्रीज होंगे तो नंबर ऑफ रुपीज भी क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। अगर 5 पेन आते हैं 50 के, तो 2 पेन कितने के आएंगे, 20 के। अगर नंबर ऑफ पेन आपने डिक्रीज किया तो नंबर ऑफ रुपीज भी क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ये होता है आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन। अगर वन क्वांटिटी अगर आप इंक्रीज कर रहे हैं तो अनदर क्वांटिटी भी क्या होगी, इंक्रीज होगी। अगर वन क्वांटिटी को डिक्रीज कर रहे हैं तो अनदर क्वांटिटी भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये होता है हमारा डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एंड देन आता है इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन क्या है, जैसे कि आपने एक घर बनाने के लिए मजदूर लगाते हैं, मिस्त्री लगाते हैं, तो अगर हम 2% को लगाए घर बनाने के लिए, वो मानो मानो 1 मंथ लगाते हैं आपका घर बनाने में, 1 मंथ लगाते हैं कितने परसेंट, 2%। अगर हम नंबर ऑफ पर्सन बढ़ा दें, 2 की जगह हम 4 कर दें, तो डेज क्या होंगे, कम होंगे ज्यादा होंगे। अगर दो बंदे हैं, 2% है वो काम करते हैं आपका घर बनाने का, वो 30 डेज लगाते हैं, 1 मंथ लगाते हैं, तो 4% करेंगे तो वो क्या करेंगे, नंबर ऑफ डेज कम लगाएंगे, क्योंकि ज्यादा पर्सन काम करेंगे तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा आपका, कम लगेगा, ठीक है। जैसे कि हमने यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन बढ़ाया है तो नंबर ऑफ डेज क्या होगा आपके, कम होंगे। अगर वन क्वांटिटी को इंक्रीज करते हैं तो अदर क्वांटिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। ये होता है आपका इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। तो मैं दो एग्जाम्पल दे रहा हूं आपको, डायरेक्ट एक डायरेक्ट प्रोपोर्शन पर, एक इनवर्स प्रोपोर्शन पर। सबसे पहले आपने सोल्व कैसे करना है ये क्वेश्चन, सबसे पहले आपको एक स्टेटमेंट जो गिवन होगी आपको उसको ध्यान से आपने रीड करना है, समझना है अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि हिंदी में अगर समझना है तो हिंदी में समझो, इंग्लिश में समझो तो इंग्लिश में समझो। जैसे कि ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल्स इन 6 आवर्स। एक मशीन जो है सॉफ्ट ड्रिंक की बोटल फिल करती है 840 बोटल्स फिल करके 6 आवर्स में, मतलब 6 आवर्स में उसने 840 बोटल्स फिल कर दी, तो 5 आवर्स में कितनी करेगी, ज्यादा करेगी कम करेगी। 6 आवर्स में करती 840 तो 5, अगर नंबर ऑफ टाइम घटा देंगे तो नंबर ऑफ बोटल भी क्या होंगे, कम ही फिल होंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डायरेक्ट प्रोपोर्शन का क्वेश्चन है। सोल्व कैसे करना है वो देखो, तो हम इस तरीके से पार्ट बनाओगे। साइड बनाई मैंने, तो राइट साइड में आपने क्या लिखना है, जो आपने फाइंड आउट करना है ना वो आपने लिखना है राइट हैंड साइड में, ठीक है। तो फाइंड आउट क्या करना है, ए मशीन इन ए सॉफ्ट ड्रिंक फैक्ट्री फिल्स 840 बोटल इन 6 आवर्स, हाउ मेनी बोटल्स, नंबर ऑफ बोटल्स आपको निकालनी है, तो नंबर ऑफ बोटल्स आप राइट हैंड साइड में लिखोगे, ठीक है। तो यहां पर क्या आएगा, टाइम क्लियर। जैसे कि हमारे पास क्वेश्चन है, नंबर ऑफ आवर 6 है तो बोटल्स कितनी फिल होती है आपकी, 840। नंबर ऑफ आवर्स अगर 5 है तो नंबर ऑफ बोटल्स कितनी फिल होंगे, हम मान लेते हैं लेट x बोटल में फिल इन 5 आवर्स। लिखना आपने सुनो पहले, नंबर ऑफ बोटल लेट नंबर ऑफ बोटल इन 5 आवर्स इज इक्वल टू एक्स, क्लियर। देन सोल्व कैसे करना आपने वो देखो, 6/5
इज इक्वल टू 840 बाय एक्स। एज इट इज आपने इनके पोर्शन प्रोपोर्शन करना है, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 6 इनटू एक्स एंड देन 840 इनटू 5। एक्स की वैल्यू कैसे आएगी, 840 इनटू 5 डिवाइडेड बाय 6, यहां पर क्या है मल्टीप्लाई में है 6 इनटू एक्स, तो अगर इक्वल के दूसरी साइड आएगा तो यहां पर मल्टीप्लिकेशन लगा के क्या हो जाएगा डिवाइड हो जाएगा, सो कैंसिल ऑफ करेंगे में, कोई प्रॉब्लम आए तो आप कमेंट बॉक्स में राइट करें,
अगर आपको वीडियो पसंद आए तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।